वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो हैं रॉक गार्डन जा रहे हैं, तो आज मैं अपने व्लॉग के अंदर आप लोगों को रॉक गार्डन दिखाऊंगा। आशा करता हूं जो डेली व्लॉग्स आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी आप लोगों के सजेशंस हैं या कुछ भी आप लोगों की राय है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कुछ भी बताएंगे मुझे, आपके सजेशंस के ऊपर ज़रूर वर्क करूंगा मैं। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं, कल के ब्लॉग के अंदर जो है थोड़ी सी आवाज़ के अंदर काफ़ी वाइब्रेशंस वगैरह आ गए थे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और फिलहाल हम लोग रॉक गार्डन बस पहुँचने ही वाले हैं, वहाँ पे पहुँच करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने वैसे सुना होगा कि रॉक गार्डन के बारे में, चंडीगढ़ का काफ़ी फेमस गार्डन है। फिलहाल जो है हम लोग रॉक गार्डन पहुँच चुके हैं, बट अभी प्रीपेड बूथ जो है, पुलिस वालों का बूथ जो पार्किंग बूथ होता है, वहाँ पे मैंने पूछा तो मुझे पता लगा कि गार्डन जो है फिलहाल क्लोज्ड है, तो इसलिए मैं गाड़ी वापस से रिवर्स ले रहा हूँ। अभी तक शायद रॉक गार्डन भी कोविड के चक्कर में खोला नहीं गया है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको रॉक्स दिखाई देंगी अगर आप लोग जब भी रॉक गार्डन विजिट करेंगे, जब भी ओपन होगा। और मैं भी एज सून एज पॉसिबल, जब भी ओपन होता है और मैं नेक्स्ट टाइम जब भी चंडीगढ़ विजिट करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स हैं, अलग अलग कलाकृतियाँ बनी हुई हैं रॉक की, अलग अलग तरीके से, बहुत ही खूबसूरत हैं और काफ़ी बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ा गार्डन है। आप लोगों को अच्छा लगेगा ज़रूर। तो आज जो है फिलहाल मेरी पोपट हो गई है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को रॉक गार्डन दिखाऊंगा, बट रॉक गार्डन तो बंद मिला, तो मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मजाक कर रहा हूँ। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ में, मैं आप लोगों को डेली नए नए व्लॉग्स दिखाता रहूँगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो उनमें कोई कमी नहीं आए। मेरे साथ में बने रहें, मेरे ऊपर ऐसी सपोर्ट बनाए रखें आप लोग। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।